हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा हम जो है क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट प्लेस वैल्यू, ये आपका चल रहा है। प्लेस वैल्यू, ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इसमें हमने कल आपको पिछले वीडियो में प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इसके बारे में हमने आपको बताया था। प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम इट, यानी प्रीडिसेसर क्या होता है बेटा, किसी संख्या का जो है उसमें से आप किसी संख्या में से आप जब एक माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाएगा, उस नंबर का प्रीडिसेसर कहलाता है। जैसे आपको जब बताया गया था 19 का अगर आपको प्रीडिसेसर ज्ञात करना है तो उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे तो आपका 19 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, ये बताया गया था। और दूसरे शब्दों में कहें तो प्रीडिसेसर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर। प्रीडिसेसर बेटा गिवन नंबर, जो नंबर दिया है उसका प्रीडिसेसर जो है क्या होता है, जस्ट उसके पहले आई हुई संख्या उस नंबर का प्रीडिसेसर कराता है, ये बताया गया था। उसके बाद सक्सेसर था, सक्सेसर ऑफ ए नंबर कैन बी ऑब्टेन बाई एडिंग वन ऑफ इट, ठीक है, यानी कि जब सक्सेसर जो है वन नंबर होता है दिए गए नंबर में से, दिए गए नंबर में आप वन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो नंबर प्राप्त होता है वो उस नंबर का क्या कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है, ठीक है, या ठीक उसके बाद आने वाली संख्या जो होती है सक्सेसर, उस नंबर का सक्सेसर कहलाता है, ठीक है। और इसमें हमने एसएससी और सेल फोन पॉइंट 3 से आपका बी था बेटा राइट द प्रीडिसेसर ऑफ दीज नंबर, और सी था राइट द सक्सेसर ऑफ दीज नंबर। ये दोनों क्वेश्चन में हमने आपको ऐसे क्वेश्चन कराया था, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो थे वो आपको होमवर्क रूप में करने के लिए कहा गया था। और आशा करते हैं बच्चों कि आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए होंगे। और आज जो है इसी के आगे पेज नंबर 11 से इवन एंड ऑड नंबर इसके बारे में पढ़ेंगे। इवन एंड ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है, इवन यानी सम और विषम, सम और विषम संख्याएं, ठीक है, इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले से हम क्या पढ़ेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है पहले इस तरह समझेंगे। इफ अ नंबर इज इवेंटली डिविजिबल बाय 2 इट इज कॉल्ड एन इवन नंबर, ठीक है बेटा, कह रहा है कि यदि यदि कोई नंबर, यदि कोई संख्या अगर पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह जो है 2 से डिविजिबल यानी कि 2 से विभाजित हो जाता है, इट इज कॉल्ड एन इवन नंबर, तो यह बेटा क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाता है। समझ आया, यानी आप किसी नंबर में आप अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं और वो पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है, तो वो अगर नंबर बेटा आपका क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। जैसे आप देखेंगे, लुक एट द फॉलोइंग डिवीजन, यहाँ पर 2 है बेटा, 2 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 डिवाइड 2 इज इक्वल 1, यानी यह जो है डिविजिबल है, तो 4 देखेंगे, 4 डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, 6 है डिविजिबल बाय 3 ठीक है, 8 को करेंगे 2 से आपका 4 आएगा, 10 को करेंगे बेटा 2 से तो आपका 5 आएगा, ठीक है, आप देख रहे बेटा यहाँ से 2, 4, 6, 8 ये देख रहे हैं आप, इसको हमने सभी नंबर्स को 2, 4, 6, 8, 10 को जो है 2 से डिवाइड किया, तो यह बेटा जो है पूरी तरह से डिजिटल हो जा रहा है, पूरी तरह से डिजिटल मतलब
उसमें जो है रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो आपका टू वन जा टू, टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जाए, टू फाइव जा टेन, इस तरह बेटा आप देखा। तो इसके बाद आपका दिया है द नंबर टू फोर सिक्स एंड टेन वेन डिवाइडेड बाई टू डू नॉट लीव इन रिमाइंडर, इट मीन्स दे आर इवेंटली डिविजिबल बाई टू, हेंस दे आर इवन नंबर, ठीक है। जो कहा गया कि आप जो है आपने देखा यहाँ पर टू से डिवाइड किया टू वन जा टू, रिमाइंडर आपका जीरो कुछ नहीं बचा। ऐसे ही फोर से करेंगे तो फोर में देखेंगे, फोर में नहीं बचा, टू से करेंगे टू टू जा फोर हो जाएगा, आप देख सकते हैं नो रिमाइंडर, ठीक है। तो कहना मतलब कि द नंबर टू फोर सिक्स एट एंड टेन, ये नंबर है टू फोर सिक्स एट एंड टेन, डिवाइड किया गया दो से तो इसमें कोई जो है रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका सिवाइस हो गया, तो इट मींस आर डिविजिबल बाय टू, हेंस दे आर इवन नंबर। ये बता ये टू फोर सिक्स एट एंड टेन ये आपके इवन नंबर, ठीक है। टू फोर सिक्स एट एंड टेन क्या कहलाएंगे बेटा, इवन नंबर बताएंगे। एवरी इवन नंबर, देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी इवन नंबर हाउस ओवर लार्ज आर स्मॉल हैज जीरो टू फोर सिक्स और एट इन इट्स वन प्लेस, ठीक है बेटा। आप देखेंगे सर एवरी इवन नंबर, प्रत्येक जो इवन नंबर होता है, प्रत्येक जो सब संख्याएं होती है बेटा, वह जो है चाहे वह बड़ी हो चाहे वह छोटी हो, चाहे वह कितनी बड़ी हो चाहे वह कितनी भी छोटी हो, उसके वंस प्लेस का क्या होता है, जीरो टू फोर सिक्स एट, ठीक है। ठीक है, एक प्लेस यानी कि इकाई के स्थान पर वन प्लेस से क्या होंगे, जीरो टू फोर सिक्स एट, जीरो टू फोर सिक्स एट, ये नंबर कहाँ होंगे, वन प्लेस से। अगर ये नंबर आपको वन प्लेस से हैं, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे वो छोटी संख्या हो, वह क्या कहलाएगा, इवेन नंबर, क्लियर बेटा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे वन थर्टी टू फाइव सिक्स फोर नाइन हंड्रेड और नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी सिक्स सिक्सटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी एट, ये नंबर, इन नंबर को ध्यान से देखिए क्या, यहाँ पे टेन वन हंड्रेड थर्टी टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी थ्री थर्टी सिक्स फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एट, इन सभी के हम क्या करेंगे बेटा, वन प्लेस को देखेंगे, यहाँ पे आते हैं वन प्लेस से जीरो, वन प्लेस से टू, वन प्लेस का फोर है सिक्स एंड एट, नंबर चाहे छोटा हो या बड़ा हो हम उसके वंस प्लेस को देखेंगे। अगर वंस प्लेस पे ये नंबर है जीरो टू फोर सिक्स एट, अगर ये आपके नंबर अगर वंस प्लेस में हैं तो बेटा जो है आपका जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा, क्लियर बच्चा, ठीक है। या देखेंगे टेन है वन हंड्रेड टू फाइव ट्वेंटी फोर चाहे बचा गया लगा दें, कितना भी नंबर क्यों बड़ा हो आप वंस प्लेस को देखेंगे और आप पहचान लेंगे कि यह इवन नंबर है या नहीं है। तो वन प्लेस पे क्या बताइए, इन नंबर को आपको याद करना होगा जीरो टू फोर सिक्स और एट, ये नंबर अगर वन प्लेस पे है तो आपको वह इवन नंबर का लाएगा, ठीक है बेटा। आइए इसके बाद देखते हैं ऑड नंबर,
और नंबर उसके बाद आपका क्या है इवन के बाद ऑड नंबर विषम संख्या है ठीक है बेटा। ऑड नंबर इफ नंबर इज नॉट इवेंटली डिविजिबल बाय टू इट इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ठीक है बेटा अगर कोई नंबर पूरी तरह टू से डिविजिबल नहीं होता है तो वह जो है क्या कहलाएगा ऑड नंबर कहलाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। थ्री है डिवाइड बाय टू थ्री टू वन जा टू रिमाइंडर आपका ऑन हो गया ठीक है। तो फाइव डिवाइड करेंगे टू से टू टू जा फोर रिमाइंडर आपका ऑन हो गया। सेवन डिवाइड करेंगे टू से टू थ्री जा सिक्स वन रिमाइंडर ठीक बच्चों। और नाइन अभी नाइन क्या है नाइन डिवाइड करेंगे टू से टू फोर जा एट वन रिमाइंडर ठीक बेटा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है रिमाइंडर यानी जो नंबर है 3579 यह क्या है ऑड नंबर है यह ऑड नंबर है क्योंकि यह 2 से जो है डिविजिबल नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह डिविजिबल नहीं हो पा रहे हैं ठीक है। इसमें आपका रिमाइंडर निकल के आ रहा है यहाँ से वन 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 सभी देख रहे हैं सभी रिमाइंडर आ रहा है। तो इसके बता ये जो द नंबर 3579 लीव और रिमाइंडर वन वेन डिविजिबल बाई टू इन अदर वर्ड दीज नंबर्स आर नॉट इवेंटली डिविजिबल बाई टू हेंस दे आर ऑड नंबर्स इवरी ऑड नंबर लार्ज और स्मॉल हैज वन थ्री फाइव सेवन और नाइन एट वन प्लेस ठीक है बेटा। तो आपने क्या समझा कि ये जो नंबर्स हैं थ्री फाइव सेवन नाइन ये क्या होंगे ऑड नंबर्स होंगे क्योंकि आप पूरी तरह से टू से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं ठीक है। तो अब का चाहे वो बड़ी संख्या हो या का थ्री फाइव वन जीरो वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन और नंबर और नंबर ये जो वन थ्री फाइव सेवन नाइन है ये कैसे नंबर है और नंबर है ठीक है। और बता अब वो चाहे बड़ी संख्या हो या फिर छोटी संख्या हो आपको देखना है वंस प्लेस आप क्या देखेंगे वंस प्लेस देखेंगे तो यहां से पता चल जाएगा क्या पर देखेंगे आप इलेवन वन थ्री थ्री फाइव सिक्स सेवन फाइव सेवन थ्री एट नाइन सेवन ठीक है। एंड लास्ट हो जाएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन ठीक बेटा। तो ये आप देखेंगे नंबर दिए गए हैं तो यहाँ पे वन है यहाँ पे थ्री यहाँ पर फाइव यहाँ पर सिक्स और यहाँ पे नाइन अगर ये नंबर है यहाँ पे वन थ्री फाइव सेवन नाइन ठीक है। अगर वन वन प्लेस पे यहाँ पे वन थ्री फाइव सेवन नाइन है तो वह बेटा क्या कहलाएगा ऑड नंबर यहाँ देख रहे हैं पर टू लैक ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन यहाँ पे क्या होगा ऑड नंबर होगा सेवेंटी थ्री थाउजेंड नाइन्टी सेवन ये भी आपका ऑड नंबर सेवन है। तो याद रखिएगा अभी इवेंट के लिए क्या बताया गया जीरो टू फोर
सिक्स एंड एट वन प्लस ये नंबर होने चाहिए तो आपका इवन होगा और ऑड के लिए क्या है वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन ये आपके वन प्लस से अगर होंगे ये डिजिट तो आपके वो क्या कहलाएगा ऑड नंबर कहलाएंगे चाहे वो नंबर बड़ा हो या छोटा हो। ठीक बेटा तो ये आपका था इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। और सवाल तो देखेंगे किसी नंबर का दिए गए नंबर जैसे कोई नंबर क्या क्या है कल बताया गया था तो इसका प्रिडिसेसर क्या होगा इलेवन और इसका सक्सेसर क्या होगा थर्टीन। ठीक है तो इवन नंबर अगर कोई इवन नंबर है अगर कोई इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर है तो इवन नंबर का प्रिडिसेसर और सक्सेसर ध्यान रखिएगा इवन नंबर का प्रिडिसेसर और सक्सेसर क्या है और नंबर है ऑड नंबर होता है किसी भी इवन नंबर का प्रिडिसेसर एंड सक्सेसर ऑड नंबर होता है। ठीक है द प्रिडिसेसर और सक्सेसर ऑफ एनी नंबर इवन नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर याद रखेंगे किसी भी इवन नंबर का प्रिडिसेसर या सक्सेसर क्या होता है ऑड नंबर होता है और किसी भी ऑड नंबर किसी भी द प्रिडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर किसी भी ऑड नंबर का प्रिडिसेसर और सक्सेसर इवन होता है याद रखेंगे और किसी भी इवन नंबर का प्रिडिसेसर एंड सक्सेसर ऑड होता है ये दोनों बातें याद रखेंगे। ठीक है आइए इसके बाद दिया गया है 1.4 यानी यहाँ पे आपको जो है इन जो नंबर दिए गए हैं उनके बीच की जो है सभी इवन नंबर को आपको राइट करना है बराबर देखिए 1 and 20 एक से बीस तक के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो आपको राइट करना है। ठीक बेटा जैसे आपका क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 18 ठीक है ये सारे जो है 1 से 20 तक के बीच की इवन नंबर है। ठीक बेटा ऐसे ही सेकेंड आपका है 39 and 16 इनके बीच क्या समझना है ठीक है और थर्ड का 79 and 100 इसको लीजिए है सभी नंबर का ऐड करें और बी है आपका राइट ऑल ऑड नंबर राइट ऑन ऑड नंबर राइट ऑल ऑड नंबर बिटवीन
ठीक है, पहला तो क्या आपको 20 मिली, 1 एंड 20, एक से लेकर के 20 तक, ठीक है बेटा। तो इसको आप ऐड करेंगे, ये तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद होगा 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद और बचा 13, 15, 17 एंड 19, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19 या बेटा होंगे इनके बीच के वर्ड नंबर। सेकेंड आपका 20 एंड 14, इसके बीच लिखना है। और थर्ड है 60 एंड 80, ठीक है। ये बता जो है दो क्वेश्चन आपका ए में और दो क्वेश्चन आपका बी में, ये दोनों जो है आप होमवर्क रूप में सबको बता के एक क्वेश्चन किसी प्रकार से बिल्कुल जो है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।